हे डियर क्वीरियस, वेलकम टू माय सन ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके अगस्त मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। जो आपसे रेजोनेट करें आप सिर्फ उसी को कंसिडर करें और बाकी को छोड़ दें। इसके अलावा लेट्स सी के क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर क्वीरियस? स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ सोर्स। अदर मैसेजेस क्या हैं देखते हैं कि अदर मैसेजेस क्या है। फाइव ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स अंडरनीथ में आपके पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली आप एक बहुत ज्यादा आप स्ट्रेंथ हासिल करना चाहते हैं किसी चीज़ पे। हो सकता है आपने कम्युनिकेशन स्किल्स में आप स्ट्रेंथ हासिल करना चाहते हो, ये तो एक जनरल सी बात है, लेकिन हो सकता है आप अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ को गैदर कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए। किसी चीज़ को क्लियर आउट करना है आपको, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई मैनिपुलेशन है जिसको आपको क्लियर करना है, तो उसके लिए आप अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं और कम्युनिकेशन के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि जो भी ये मैनिपुलेशंस हैं आपके और आपके पार्टनर के दरमियान, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो और बहुत सी मैनिपुलेटेड सिचुएशन है, तो उसको क्लियर आउट करने के लिए आप अपने अंदर एक गैदर कर रहे हैं सिचुएशन को, अपनी एनर्जी को कम्युनिकेट टू योर पार्टनर, क्योंकि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप अमेंड करना चाहते हैं, आपने बहुत इंतज़ार कर लिया है, वेटिंग पीरियड बहुत लॉन्ग हो चुका है और उस पर्सन की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आ रही, तो आपने खुद ही ये डिसाइड किया है कि आपको चीज़ों को अमेंड करना है और एक स्टेबल इस रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है, तो उस पर्सन के को आप अपने अंदर एक स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं तो टू कम्युनिकेट दैट पर्सन। आप उस पर्सन से बात करने के लिए, क्लियर आउट करने के लिए सिचुएशन को एनर्जी गैदर कर रहे हैं, स्ट्रेंथ हासिल करने की कोशिश करें, और जो भी ये सेल्फिशनेस सी सिचुएशन हो उस पर्सन की तरफ से, वो सेल्फिश शो हो रहे हैं वो पर्सन, या फिर कोई एक पर्सन जो है वो सेल्फिशनेस शो कर रहा है यहाँ पर, और मैनिपुलेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कंसीडर करके वो जो है इस रिलेशनशिप में एक फाइट क्रिएट करके बैठे हुए, तो आप उसको क्लियर आउट करेंगे ताकि आपका रिलेशनशिप जो है वो बेटर हो सके, और आप वेटिंग पर हैं कि आपने जो भी अमेंडमेंट की हैं, और आफ्टर दिस अमेंडमेंट, आफ्टर दिस क्लेरिफिकेशन, आप जो है इंतज़ार में हैं कि कब वो पर्सन आपको कब वो पर्सन आपके साथ आकर बात करेगा, या फिर आपको इसका रिज़ल्ट कब मिलेगा, या फिर लैक ऑफ फाइनेंसिस की वजह से भी आपके दरमियान क्लैश हो सकता है, लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है, बट स्लो एंड स्टेडी। सो देखते हैं कि इस सिचुएशन का आउटकम क्या निकलता है। यहाँ पर ये हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ रेडी टू टॉक हैं, बट वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस शो कर रहे हैं और एक कोई प्रैक्टिकल थिंग नहीं दिखा रहे इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए, तो ये भी आपके लिए एक फिक्रमंदी की अलामत है। तो लेट्स सी क्या इस सिचुएशन का आउटकम निकलता है। ईगो है बहुत उस पर्सन में, सो इस सिचुएशन का आउटकम क्या निकल सकता है एक्वेरियस के लिए। ये जो भी सिचुएशन है, ईगो क्लैशेस जो भी हैं, इसका आउटकम क्या निकल सकता है। तो डेफिनेटली आप लोग जो है आफ्टर क्लैरिफिकेशन ऑफ दिस सिचुएशन, आप अपने पार्टनर के साथ दोबारा से एक पीसफुल एनवायरनमेंट में इस रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ सकते हैं आप। एक और कार्ड लेते हैं एक्वेरियस के लिए। एम्प्रेस, डेफिनेटली वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा एडमायर आप उसको करते हैं और एक न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं उस रिलेशनशिप में, क्योंकि एक सोलमेंट कनेक्शन है, हैप्पीनेस मिलती है आपको उस पर्सन के साथ, या फिर यहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, पेरेंट्स वाली सिचुएशन है। अगर बच्चे नहीं भी हैं तो भी आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और आपको लगता है कि वो पर्सन आपकी आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, आपके लिए परफेक्ट है, तो आप उस क्लियर आउट करेंगे। और हो सकता है कि यहाँ पे एक प्रेगनेंसी भी इन्वॉल्व हो,
या फिर आपकी मदर, किसी कोई मदर फिगर, कोई अथॉरिटी फिगर, मदर या फादर, जैसे यहाँ पे एम्परर का कार्ड भी आया था, तो हो सकता है पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाएं आपके इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने में। तो क्वेरीज ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। इफ़ यू प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन कमेंट बिलो, लाइक मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।